भी हो उसको हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ क्यों ले जाते हैं, हम कॉम को एक पॉजिटिव रन में क्यों नहीं देते। आज मुझे ये खुशी हुई है कि मैं इसको ब्रीफिंग नहीं कहूँगा, मैं इसको इंटरेक्शन का नाम दूंगा, एक हिस्टोरिकल इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन जिसमें सारे पार्लियामेंट को मौका मिला, मेंबर्स को हर उस सवाल का जवाब लिया उन्होंने जिसका वो हमेशा प्रचार करते रहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये इंटरेक्शन हुई और जिस अंदाज से सवाल जवाब हुए और जो चीज़ें टच हुई उसमें मेन, मैं स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस है, पाकिस्तान को इसको पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं और पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल किस्म के थ्रेट सारे इंक्लूडिंग टुडे डोनाल्ड ट्रंप हैज अगेन थ्रेटन्ड अस, कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन आपने देखा कि मोदी अपना वो एक गाना नहीं गाता हमारे खिलाफ, और जिस अंदाज से बलूचिस्तान में सब कुछ हो रहा है, तो हम ये बिल्कुल सेफली कह सकते हैं कि जो अनहोली एक ट्राइका बना हुआ है बिटवीन आपके CIA, इंडियन रॉ एंड अफगानी इंटेलिजेंस NDS, तो ये मिलकर जिस तरह पाकिस्तान को डेथ सप्लाई कर रहे हैं, और जिस अंदाज से टिलरसन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया दुनिया को कि वन रोड वन बेल्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब हु आर यू, हम दिस इज पाकिस्तान, ये रोड तो सदियों से चल रहा है, यानी BC 200 years before BC से चल रहा है, यू आर जस्ट इन्फ्लिक्टिंग इट बिकॉज चाइना इज गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली आज उन्होंने दो कंपटीटर दुनिया में डिक्लेयर कर दिया अपने खिलाफ, एक चाइना और एक रशिया। अगर चाइना देखे तो हमारा दोस्त है, और अगर वो हमारा दोस्त है तो उसके साथ बदसलूकी होती है तो हमारे साथ भी होती है। तो लिहाजा मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त देश जिसको प्रमोट वेस्ट ने किया, उसको प्रमोट सीरिया से शुरू हुई और इंडिया में भी उसके कैंप है, और जिस तरह इस वक्त फ्लोरिश किया जा रहा है देश को अफगानिस्तान में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो नॉट इट इज़ मी हु सेइंग, तो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने कहा था देश पाकिस्तान में है, और मेरी बड़ी बैशिंग हुई बहरहाल अगर आप इसको गौर से देखें तो नॉट ओनली आई सेड इट फॉलोड बाय मी, आपको देखा होगा प्रेजेंट कारजाई एक्स प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान ने कहा कि मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं कि अमेरिका देश की सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में। तो अगर उस चीज़ को सारा अगर आप कंबाइन करें फरिया, तो ऐसा लगता है कि देश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टूल to be used against us. It looks like that. Or there is no free lunch in the world. Right. आप मुझे ये सवाल करना है डोनाल्ड ट्रंप से, what interest do you have in Afghanistan? Leave it. यहाँ पे सारी तसली ठीक हो जाएगी सारी। तो ये जो मामला आप बताए रहमान साहब, उसके लिए तो हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटीरियर मिनिस्ट्री चाहिए। हमने देखा कि धरने के मामले पे भी देखें, आप फिर पॉलिटिकल तरफ चले गई हैं। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री सिचुएशन है, मैं इसे वाजिया कर दूँ आपको आज की ब्रीफिंग के बाद, और उन पोटेंशियल थ्रेट्स को विदाउट स्पेसिफाइंग मैं ये कह सकता हूँ बड़े फख्र के साथ कि पाकिस्तान आर्मी के पास कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, डिटर्मिनेशन, मैं आ रहा हूँ मैं एग्रेशन की डिटर्मिनेशन है कि कोई भी बाहर से एग्रेशन आएगा, कोई भी कोशिश करेगा पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखने की, पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी एबिलिटी है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब आ गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इट इज़ समथिंग टू डू विद एक्सटर्नल पॉलिसी, और एक्सटर्नल पॉलिसी रेस्ट विद द नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बट द प्लान गिवन टू देम। एक प्लान, एक्शन प्लान बना था जिस पे आपको याद है मैडम फरिया कि मैंने सारे फिका के दस्तखत करवा के एक यूनैनिमसली एक एग्रीमेंट करवाया था मदरसा रिफॉर्म से, मैं उसको एक्ट की सूरत में लेके आया। आज ही कुमर जो उस वक्त की अपोजिशन थी उन्होंने अपोज किया, मैं दोबारा लेके आऊँ वो बिल, आज तक वो नहीं आया। मुझे नहीं समझ आ रही कि जब फाटा रिफॉर्म्स आते हैं वो भी किसी के कहने पे ब्लॉक कर दिया जाता है, जब मदरसा रिफॉर्म्स होता है, मैंने देखो मदरसा रिफॉर्म्स आता है वो भी ब्लॉक किया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी को तो हुकूमत खुश करने की कोशिश कर रही है, तो अगर हमने खुश करने का अमल जारी रखा तो शायद ये मुल्क के इंटरेस्ट में ना हो।